बेबी के लिए ना केक लाए थे, उसका 1 माह होने पर। मेरी बेटी का आज है बर्थडे, मतलब वो आज 1 महीने की हुई एग्जैक्ट। सो प्लीज विश हर हैप्पी बर्थडे फॉर। मूड ही खराब हो जाता किसी के, कोई ना दिन ऐसा साल खराब होता है ना कुछ दिनों से, तो ऐसा मूड अपसेट चल रहा है मेरा, बता नहीं सकता मैं आपको। जलन हो रही बहुत गंदी वाली, पूरी पाँचों ये पूरा ऐसे पकड़ा था मैंने वो भगवाना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग, सो स्वागतम। तो आज है दिन कौन सा, थर्सडे। लेकिन आज मुझे एक्चुअली ऑफिस जाना था, जैसा कि मैंने बताया था कि विशाखा की तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी मैं उठा हूँ, विशाखा को दिखाने के लिए ले जाऊँगा। और मैं फिजिशियन को दिखा रहा हूँ, एक डॉक्टर है यहाँ पे कृष्णनगर में, फिजिशियन को दिखाना है उसको जाकर के, कि उसको सारी इश्यूज़ बतानी, परेशानी बतानी है डिलीवरी के बाद में। 1 महीना हो गया आज एक्सेप्ट उसको, और अभी तक वो सही नहीं होकर दे रही है, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट ने दवाई लिख दी थी, उससे कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं इसके शरीर में। तो फिजिशियन को दिखाते हैं उसको और देखते हैं क्या कहता है वो। और हाँ, मेरी बेटी का आज है बर्थडे, मतलब वो आज 1 महीने की हुई एग्जैक्ट। सो प्लीज विश हर हैप्पी बर्थडे फॉर अ मंथ। और बाकी अभी बस उठा हूँ तो नाश्ता पानी करके अब बस निकलता हूँ थोड़ी देर में। कहता कि विशाखा को दिखाने ले आना, तो वो रेडी हो चुकी ना तो कि। और मेरी नित्य रानी का बर्थडे है 1 महीने का, आज 1 महीने की हुई है। तो वो देखो आज पैरा सूट पहन के बैठी हुई है, उड़ेगी अब यहाँ से उड़ने की तैयारी कर रही है, रॉकेट लॉन्च करने वाली है ना नित्य, देखना डब्बी पैक के लिए कैसे लग रही है। नित्य मेरे बेतू रानी, जग भी जाओ बेटा, ऊँ करती हूँ आके दिखाती रहे, बस आँखें बंद करके जंग लड़ रही है बैठे बैठे अपने आप से। दूध, घी, नमक, मिर्च, पराठे और चीनी, ये मिलानी है एक्चुअली, मिक्स करनी है, उल्टी पुल्टी मारनी है, तब जा करके ये दूध बनेगा प्रॉपर। और हल्दी वाला दूध है ताकि मेरे शरीर में ताकत आए और अच्छी इम्यूनिटी बढ़े मेरी। सो लेट्स हैव दिस। तो मैं नित्या के लिए दूध बना रहा था, तो मेरा हाथ ना एक्चुअली क्या, पानी गर्म करके उसको पाउडर में डालना होता है। अब मैंने वो किया तो वो क्या हुआ, वो उस पर जिसमें भगोने में गर्म किया था पानी, वो पकड़ लिया मैंने और मेरा जल गया। देख रहे हो आप, निशान भी बन गए यहाँ पर। तो जलन हो रही बहुत गंदी वाली, पूरी पाँचों ये पूरा ऐसे पकड़ा था मैंने वो भगवाना, उस वजह से जल रहा है पूरा हाथ यार मेरा। भुखमरी फैल रही है, मैं क्या बताऊँ आपको, बाहर ना एक्चुअली जो पानी मोटर वाला पानी आता है, दिल्ली गवर्नमेंट का जो पानी सप्लाई होता है ना एक टाइमिंग के ड्यूरेशन में, तो उसके लिए हमने मोटर लगाई हुई है बाहर, और जो पाइप आ रहे हैं वहाँ से बाहर से, तो वो पाइप बाल्ब लगे हुए थे पीतल वाले, उसमें अंदर पाइप के साथ बाल्ब, 4 फ्लोर हैं इसमें टोटल, मेरे को मिला के टोटल 4 हैं, वो पाइप चारों के काट ले गए। और सुबह मेरी इतनी मती मारी गई कि सुबह सुबह मैं जगा हुआ था 5 बजे करीब, तो 5 बजे खर खर काटने की आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा कोई और कोई हो सकता किसी घर में कुछ कर रहे हो काटा पीटी कुछ, पर मेरे इतना काम दिमाग काम नहीं किया कि मैं बाहर एक बार इसको गेट को खोल के देख लूँ, और वो पाइप कट गई सारे चारों चार, नुकसान अननेसेसरी ये तो हो गया। बड़ा मूड ही खराब हो जाता किसी के, कोई ना दिन ऐसा साल खराब होता है ना कुछ दिनों से, तो ऐसा मूड अपसेट चल रहा है मेरा, बता नहीं सकता मैं। ये देखो चार फ्लोर हैं ना, इसमें चारों पाइप काट लेगा हराम खोर, या बाल्ब होते हैं इसमें तो उस वो पूरी वो उसके साथ ही काट लेगा। ये भाई साहब नीचे सो के नहीं दे रही है यहाँ पर बेड पर, और इसको या तो मैं जैसे उठा लूँ और चेस्ट पे लगा लूँ, वॉक करता रहूँ या भले ही बैठा रहूँ, तब आराम से सो जाएगी। और लेकिन इस पे जैसे लेटाता हूँ थोड़ा सा ऐं करके फिर जग जाती है। अब मैंने नीचे मैंने कहा बेड पे मैं लेट जाता हूँ, और इसको चेस्ट पे लेटाया हुआ तब जाकर ये थोड़ा सा रिलैक्स है। जगह खा रही है अभी ये क्या बोलूँ, खिचड़ी खा रही है। और इसको अभी मैं दिखा के लाया था डॉक्टर को, डॉक्टर ने ना मतलब कुछ दवाइयाँ हैं जो पहले चल रही थी जो गायनेकोलॉजिस्ट ने लिखी थी वो लिखी हैं, बाकी की कुछ 2-4 दवाइयाँ अलग से लिखी हैं, और इसके टेस्ट बोले हैं भाई साहब कितने टेस्ट हैं कुटो मेरे को 5-6-7 पर, अच्छा एक ही में काउंट हो जाता है ना, ब्लड में ही वो आ जाते हैं ठीक है, तो वो कई टेस्ट कराने तो आज ही करा लेते हैं जाके, ताकि डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ेगा या व्हाट्सएप बता देगा, व्हाट्सएप बता देगा वो कि क्या इशू है, उस हिसाब से वो दवाई हमें रिकमेंड कर देता है व्हाट्सएप। लोग बाहर आए हुए थे तो यहाँ पे एक बड़ी ही अजीब चीज़ मिल गई, पता क्या है, धूप, क्योंकि हम ना जादू हैं, कोई मिल गया की तरह कोई जादू हैं, हम धूप खाते नहीं हैं सर्दियों में, अंदर रहते बंद, और अभी धूप मिल गई तो बड़ी प्यारी लग रही, लेकिन आँखें चुंधिया रही मेरी तो इसमें आपकी, इसलिए आँखें बड़ी बड़ी हैं मेरी, आँखें छोटी छोटी है ना, और मेरी चाइनीज की तरह आँखें। काम तो हो गया, जो मोटर मैंने बताया ना पाइप काट लेके, चोर चिंदी चोर साले पाइप भी काट लेके, उसमें बाल्ब था एक्चुअली ना पीतल वाला, तो 250-300 रुपये का बाल्ब आता है, उसके लालच में उन्होंने काटा है, और हमारे पड़ोस में भी था, उनके भी काटे हैं, कई जगह से बता रहे हैं आज चोरी की खबरें आ रही हैं न्यूज़,
कई जगह कटे हैं। तो जहाँ से सामान लेने गया था ना, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे किसी के घर में कोई ताला वाला चोरी कर लेंगे, पता नहीं क्या चोरी लेंगे, घर जो है बाहर से लॉक करके। यहाँ बहुत चोरी कर, कुछ चोरी कर ले गए बाहर से लॉक करके, आवाज लगाते रहो बंद करके पूरा। ऐसे हाल है। तो इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ मैं कि गेट खोलने से पहले लोहे वाला आप पूछ लो कौन है, ये बहुत चोरी के लफड़े आ रहे हैं यहाँ गुट्टू। सच बता रहा हूँ मैं आपको, बताया था कि मेरी बेटी का बर्थडे है, मतलब 1 महीने की हुई है आज, तो हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और साथ के साथ जैसा कि हम लोग अपनी बेटी का फेस नहीं दिखा रहे थे 1 महीने से, तो हम उसका फेस भी रिवील करेंगे, ये प्लानिंग था। तो ये हम लोग आज उस बेटी का अपनी का फेस रिवील करेंगे। और विशाखा ने कुछ फ़ोटोज़ खींचे हैं, जैसे ये उसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो अभी हम देर में हम केक कट करेंगे और मेरी बेटी का मुखड़ा दिखाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि विशाखा तभी ठीक नहीं थी, तो हम बेबी के लिए ना केक लाए थे, उसका 1 मंथ होने पर उसको विश करेंगे हैप्पी बर्थडे माय लव, विश यू मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे प्रीत्या, लेट्स चीयर अप फॉर हिज 1 मंथ बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, बेटी का जो है बर्थडे 1 महीने का जो है हम अच्छे सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि विशाखा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कल मैं उसको शायद हॉस्पिटल लेके जाऊं और डॉक्टर से बात करी है तो शायद इसको एडमिट करना पड़ेगा फिर से हॉस्पिटल में, ताकि क्योंकि इसके जॉइंट्स जहाँ पे भी जॉइंट्स है ना बहुत अनबियरेबल पेन हो रहा है, इसको बहुत परेशान है ये। तो इसको शायद कल मैं एडमिट करा दूँगा हॉस्पिटल में दोबारा से, ताकि वहाँ से थोड़ा सा ठीक ठाक होकर निकले, यार बहुत परेशान है 1 महीने से। और मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगा इस ब्लॉग को, सो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय।